आज के समय में दांतों की समस्या काफी कॉमन हो गई है जो हर उम्र के लोगों में देखी जा रही है। बॉर्गेन प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 85 से 90% वयस्कों के दांतों में कैविटी होती है। लगभग 30% बच्चों के जबड़े और दांत सही नहीं है। भारत में 50% से अधिक लोग डेंटिस्ट के पास जाने की जगह केमिस्ट वाले से सलाह लेते हैं और सिर्फ 28% भारतीय ही दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। अगर कोई दांतों की नियमित देखभाल और चेकअप कराता है तो दांतों की समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। यूके के मैनचेस्टर में रीजनल क्लिनिकल डायरेक्टर पीरियोडोंटिस्ट और इम्प्लांट डेंटिस्ट फैजान जाहिर ने express.co.uk से बात करते हुए कहा कि दांतों के कई मामलों में लोग डेंटिस्ट की सलाह नहीं लेते, धीरे धीरे समस्या बढ़ जाती है और फिर आगे चलकर ये गंभीर रूप ले लेती है। मसूड़ों में होने वाली समस्या सबसे खतरनाक होती है। अगर इसे बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो वो आसपास की हड्डी को भी गला सकती है, इसलिए हमेशा अपने मुंह के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कई बार लोगों के मुंह या दांतों में कुछ संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करना गलत होता है। अगर आपको भी अपने मुंह के नीचे बताए हुए संकेत नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मुंह और जीभ में गांठ और सूजन। मुंह या जीभ पर सूजन आना गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। डेंटिस्ट फैजान जहीर ने कहा कि यदि आपके मुंह या जीभ में कोई गांठ या सूजन है तो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और तुरंत चेकअप कराना चाहिए। इनमें से अधिकतर मामलों में अधिक खतरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। मुंह में छाले बने रहते हैं। डेंटिस्ट फैजान जहीर ने के मुताबिक अगर किसी के मुंह में लगातार छाले बने रहते हैं तो उसे भी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। मुंह के छाले अल्सर के लक्षण भी हो सकते हैं और इसके इलाज के लिए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। अगर मुंह के छाले 10 दिन बाद भी ठीक नहीं होते हैं, निगलने में कठिनाई या कुछ खाने पर मुंह में दर्द होता है तो भी तुरंत एक्सपर्ट से मिलें। मसूड़ों से खून आना मसूड़ों की बीमारी का संकेत हो सकता है। डेंटिस्ट फैजान बताते हैं जब कोई ब्रश करता है और उसके मसूड़ों से खून निकलता है तो ये मसूड़ों की बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो समस्या गंभीर हो सकती है। हालांकि इस समस्या में दर्द नहीं होता, इसलिए कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा करने से बचें। मुंह में असामान्य लक्षण। अगर कोई अपने मुंह या दांत में कोई ऐसा लक्षण महसूस करे जो सामान्य नहीं लग रहा हो तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार दांतों की बीमारियों के लक्षण मुंह में भी दिख सकते हैं।